हेलो बच्चों, यहां लिखा है द विंड स्क्रीन ऑफ टू मोटर कार्स हैविंग स्लोप 30 डिग्री एंड 15 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट वॉट रेशियो वी वन अपॉन वी टू द वेलोसिटीज ऑफ द कार विल द ड्राइवर सी द हेल स्टोन बाउंस विंड स्क्रीन ऑफ द कार्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। हेल स्टोन्स मीन जिसको हम लोग ओले भी बोलते हैं हिंदी में। एज्यूम हेल स्टोन्स आर फॉलिंग वर्टिकली, तो समझो बात को, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन जो है वो वर्टिकल है, बराबर है। अच्छा, कार अगर हॉरिजॉन्टल में जाएगी तो कार के हॉरिजॉन्टल में जाने से इन हेल स्टोन्स के लिए रिलेटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आएगा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। समझो बात को, जैसे मान लीजिए हम लोग तीन सब्जेक्ट देते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स का पेपर देते हैं। दो कैंडिडेट थे। अच्छा, दोनों के फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम सेम मार्क्स थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों के सेम सेम मार्क्स थे। अच्छा, एक के मैथ्स में 60 थे और एक के मैथ्स में 90 थे, तो डिफरेंस कहां पे आया? मैथ्स में। क्लियर? तो समझना बात को, क्या हुआ कि अगर आपके पास ये जो कार है अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी तो इससे इसके वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज केवल और केवल कहां पे होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। क्या बात क्लियर होती है? चलिए, तो अब हम लोग जरा वापस आते हैं, डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। ये मान लिया हम लोगों ने कार है, ये इसका विंड स्क्रीन है, तो किसी भी थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। बाद में एक बार हम थीटा की जगह 30 रख लेंगे और एक बार थीटा की जगह पे अपन 15 रख लेंगे, जो हम लोगों को दो एंगल्स गिवन है, 30 डिग्री और 15 डिग्री। बड़ा क्लियर है? अच्छा, एक कार इस डायरेक्शन में जा रही किसी भी वेलोसिटी से। अभी मैंने इसको V लिख दिया है, फर्स्ट वाली कार के लिए लिखना होगा V1 लिख लूंगा, सेकंड वाले के लिए V2 लिख लूंगा। क्लियर? अच्छा, ये नॉर्मल बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देनी चाहिए कि कोलिजन ऑफ हेल स्टोन आर इलास्टिक, क्योंकि अगर इलास्टिक नहीं होगा तो फिर तो इसमें इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में कोलिजन इलास्टिक कंसिडर कर रहे हैं, कहीं देखो लिखा तो नहीं है ना, नहीं लिखा हुआ, तो हम इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करके ही सारी चीजें कर रहे हैं। तो तुमसे बोला गया है कि दे रिबाउंस वर्टिकली, मतलब जो हेल स्टोन हैं वो इस डायरेक्शन में रिबाउंस हो गए। तो हेल स्टोन की रिबाउंसिंग स्पीड अगर इस डायरेक्शन में है और इस एंगल को हम लोग कुछ भी अल्फा लिख रहे हैं, देखते हैं अभी कितना आता है, बराबर है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसका अल्फा ही होगा। क्लियर? तो चलिए मान लेते हैं हम लोग कि हेल स्टोन इस डायरेक्शन में कहीं से आते हुए दिख रहे थे इधर की तरफ से, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा क्योंकि हम कोलिजन इलास्टिक लेकर के ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर बेटा? अब देखो ध्यान से जरा, यहां पे ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल आपको थीटा मिलेगा, बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हेल स्टोन के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो बात को ध्यान से समझना बेटा, मैं तीन डॉट्स लगा रहा हूं, एक ये, एक ये और एक ये। क्या ये पूरा एंगल 90 है? बराबर है। मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, चलो मैं लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो हटाना पड़ेगा लाइन को। ये जो लाइन मतलब ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल, मैंने जो दो ब्लू लाइंस बनाई, क्या ये एंगल आपको 90 दिख रहा है? तो 90 में से अगर मैं ये थीटा हटा दूं और 90 में से अगर मैं ये अल्फा हटा दूं तो ये वाला एंगल हम लोगों के पास बचेगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। क्लियर? अच्छा, देखते हैं क्या थीटा और अल्फा में कोई रिलेशन है क्या, पता नहीं, चेक करते हैं। पर चेक करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, आराम से देखिए। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को दी गई थी ये वर्टिकल में है, मतलब ये इस लाइन के लॉन्ग है। देखिए जरा इधर, फाइनल वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग है जिसको मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर दिया, और नॉर्मल के साथ उधर बन रहा था अल्फा और इधर बन रहा था थीटा, तो क्या आपको दिख रहा है अल्फा और थीटा बराबर हो गए, मतलब ये एंगल आपको मिलता है 90 माइनस 2 थीटा। क्या बेटा बात समझ में अभी आप लोगों को आ गई? यस। तो अभी हम लोग मान रहे हैं कि हेल स्टोन की वेलोसिटी जो है वो कुछ भी यू हो गई, यू रिलेटिव टू कार, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। बेटा आराम से देखते जाइएगा, इसको मैं, ये जो यू था इस यू वेक्टर को मैंने आगे की तरफ में शिफ्ट कर दिया। क्यों भाई? सबसे अच्छा रहता है अगर हमें किसी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व करना है तो उसकी टेल को हम जहां पे ओरिजिन हम मान रहे हैं वहां ले आए, अच्छा रहता है रिजोल्यूशन। ये सामने वाला एंगल आपको यही मिलेगा जिसको मैं थोड़ी देर के लिए बीटा लिख दे रहा हूं। तो इधर की तरफ में आपको मिलेगा यू कॉस बीटा, और एक कंपोनेंट इसका मिलेगा नीचे की तरफ में, क्योंकि तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम लोगों ने डिवाइड किया, ये मिलेगा यू साइन बीटा।
क्या बेटा बात क्लियर हो गई? तो अब ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना है। ये जो भी इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया हेल स्टोन में, वो किसकी वजह से आया? ड्यू टू मोशन ऑफ कार, क्योंकि कार अगर स्टेशनरी थी तो हेल स्टोन से आपको वर्टिकल दिख रहे थे। क्या बेटा बात समझ में? यानी जो भी इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ कार। मतलब अगर ये V1 वेलोसिटी से जा रही होगी तो V1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे कुछ U1 कॉस ऑफ बीटा, और बीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 2 थीटा। V2 दिख रहा होगा तो इसके लिए हमने कुछ लिख दिया U2, क्योंकि दोनों कार के लिए ये U जो होगा वो सेम नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा, पहले वाले केस में थीटा की जगह मैंने 30 रख दिया, 30 रख दोगे तो हो जाएगा 60, 90 माइनस 60 बचेगा 30, 30 बोले तो √3/2 cos 30। सेकेंड वाले में थीटा की जगह 15 रख दिया तो 30, 90 माइनस 30 कितना बचेगा 60, तो ये हमारे पास आ गया U2/2। क्लियर? अब देखो, आपसे पूछा गया था V1/V2, तो मैं यहीं से V1/V2 पहले ही कर देता हूं। तो यहां से आपको मिल रहा है U1 √3/2 और U2/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आता है U1/U2 × √3। अब गुरु U1 और U2 कैसे निकालोगे, तो बात को समझो अच्छा ध्यान से। तुम गए थे हॉरिजॉन्टल में तो रेन के वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई चेंज हुआ नहीं होगा, चाहे हम कार 1 से देखें चाहे हम कार 2 से देखें। तो जो रेन का आपको वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा था वो दिख रहा था U U sin बीटा। कितना दिख रहा था? U sin बीटा। तो फर्स्ट वाली गाड़ी से आपको कुछ दिख रहा होगा, ये U1 sin बीटा 1, और दूसरे वाले कुछ दिख रहा होगा U2 sin ऑफ बीटा 2। तो U1 और बीटा की जगह हमारे पास था 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू U2 × sin ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। एक काम करो, 2 थीटा की यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर हमने 2 थीटा की वैल्यू पुट करी तो पहले केस में हो गया 60 U1 वाले में और इसमें हो गया 30। क्लियर बेटा? तो U1 × sin 30 आ गया 1/2 और U2 × sin 60 हम लोगों के पास मिलेगा √3/2। हम लोगों को U1/U2 चाहिए था ना, 2 से 2 उड़ा दीजिए पहले, तो U1/U2 बराबर हमारे पास आ रहा था √3। मतलब इस U1/U2 की जगह मैं √3 लिख सकता था। तो फाइनली V1/V2 बराबर √3 × √3, तो सॉल्व होकर के हमको मिलेगा 3। तो जो हम लोगों के पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों कार की वेलोसिटीज का रेशियो कितना होना चाहिए, तो वो रेशियो आपके पास आ जाएगा 3। क्लियर है बेटा? क्या समझ में बात आई? ये चीज हमने क्यों करी? क्योंकि कार चल रही थी हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में मोशन की वजह से केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज में ही चेंज होगा, वर्टिकल वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों कार से देखने पे जो रेन का वर्टिकल कंपोनेंट दिखेगा वो सेम दिखना चाहिए, वो मैंने बराबर कर दिया था। क्लियर बेटा? ओके, तो इट्स आंसर इज 3। ऑल द बेस्ट।